हाय एवरीवन, सत श्री अकाल सारे नूं। बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पंजाब अड्डे 24/7 तुहाडी सारियां दा। अज है अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दा 6th डे, ते आपां इंडियन हिस्ट्री जिहड़ी है रिवाइज़ कर रहे हैं PSSB स्पेशल। और ऑलरेडी अपने 5 डेज़ हो चुके ने, ठीक है, और काफ़ी अच्छे MCQs जिहड़े है आपां डेली बेसिस दे नाल इस सीरीज़ दे विच डिस्कस करते हैं। अगर तुसी पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल या किसी भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हो, दैन बच्चा दिस क्लास इज़ फॉर यू। ये क्लास जी है तुहाडे लई है। हाँ जी बच्चा, मैं ऑलरेडी इत्थे हाँ। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, जल्दी नाल दसो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? बहुत ही वधिया, तुसी सुनाओ। गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं बहुत वधिया, आई होप तुसी भी वधिया होवोगे। ठीक है, पिछली क्लास दे विच आपां डिस्कशन कीती सीगी कल मेडिवल हिस्ट्री दे कुछ क्वेश्चंस दी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगे। अज दी क्लास दे विच आपां क्वेश्चंस करांगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री दे उपर क्वेश्चंस आज लेके आई हां, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस ने। अगर तुहानू ये क्लासेस अच्छी लगदियां ने, डेली बेसिस दे नाल बच्चा 1 PM ते हुंदी है, 1 PM तो लेके 2 PM तक ये क्लास जिहड़ी है तुहानू यूट्यूब ते लाइव देखण नू मिलेगी। आ जाओ, तो सब तो पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते। हाँ जी, चढ़दी कला, बहुत ही वधिया। सब तो ज़्यादा खुशी कहिंदे है एक टीचर नू ही हुंदी है जदों उहदा स्टूडेंट चढ़दी कला दे विच रहिंदा है, तां मैनू बहुत खुशी हुंदी है अगर तुसीं चढ़दी कला दे विच रहिंदे हो। होपफुली जरा है तुसीं हमेशा चढ़दी कला दे विच रहो। ते अज मेरी लास्ट क्लास है इस साल दी, क्योंकि अगली जदों क्लास अपनी होएगी तदों तक तां 1st of January आ चुक्या होएगा। ते तुहाडी वी जिहड़ी है तुसीं, चलो स्टार्ट करदे हां। कहिंदा है इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द डैश एक्ट। किहड़े एक्ट दे द्वारा भारत नूं भारत अते पाकिस्तान दे विच वंडिया गया सीगा? कि वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सीगा, डिवीज़न ऑफ इंडिया सी, पार्टीशन ऑफ इंडिया सी, या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट सीगा? यस, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एग्जामिनर किसी एग्जाम दे विच क्वेश्चन आया सी, ये क्वेश्चन मैनू थोड़ा जा गलत लग्या इहदे ऑप्शनस, क्योंकि अगर तुसीं इत्थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंशन कर रहे हो तो तुहानूं इत्थे मैंशन करना चाहिए कि कहड़ा ईयर। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जिहड़ा सीगा 1947 दा, इस एक्ट दे दौरान इंडिया ते पाकिस्तान दे विच डिवीज़न हुई सीगी। तो आंसर जिहड़ा है इत्थे बिल्कुल डी आ जाएगा, डी इज़ अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन दी ओर, द डैश कमीशन वॉज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसकरे। जलियांवाला बाग दी ट्रैजडी जो कि 13 अप्रैल 1919 नूं होई सी, ठीक है, जनरल ओ डायर ने निहत्ते जलियांवाला बाग दे विच लोकां दे उपर गोलियां चला दित्तियां सीगियां। ते इस एक्ट, इस केड़ा एक्ट सीगा जिहड़ा, केड़ी कमीशन सीगी जिहदे करके जिसने ये देखिया कि जलियांवाला बाग दी ट्रैजडी दे की कारण सीगे? कि वह हंटर कमीशन सी, बटलर सीगी, सैडलर, या कैंप बैल? आंसर इत्थे हंटर कमीशन आएगा जो आई सी अक्तूबर 1919 दे विच। हिस्ट्री दे विच एक होर हंटर कमीशन आती है, वो एजुकेशन दे उपर आती है, जदों लॉर्ड रिपन जड़े सीगे तुहाडे कह लो गवर्नर, यानी कि वॉइसराय सीगे, सॉरी, ठीक है, गवर्नर सीगे। और हंटर कमीशन ये जड़ी आई सी 1882 दे करीब आई सी। तो दो हंटर कमीशन आती है, जिहड़ी 1882 दे करीब आई सी, वो एजुकेशन दे वास्ते सीगी, और जिहड़ी जलियांवाला बाग दी ट्रैजडी नूं देखण दे वास्ते आई सी वो 1919 दे विच आई। बई साल दी लास्ट क्लास है। वैसे तो मैं अगर गल करां तो मैं टीचिंग नूं कदे नहीं छड्डन वाली, इट्स लाइक माई लाइफ लोंग कह लो मेरा सपना है कि अगर मैं जब तक मेरी बॉडी दे विच जान है, कह लो ना जब तक बॉडी चल रही है, आई विल टीच, तद तक तुहानू मैं ऑनलाइन जिहड़ा है जरूर देखण नू मिलांगी। आई विल नेवर, कह लो भगवान करे कि मैं कभी टीचिंग नू ना छड्डा जब तक मेरी बॉडी मेरा साथ दे रही है या मेरा ब्रेन साथ दे रहा है। तो मेरी लास्ट क्लास तो नहीं हो सकती है ना, बस साल दी लास्ट क्लास है यार। 2023 जिहड़ा है जा रहा है, एक नया साल आ रहा है,
ओके, सो दैट्स वाई यार कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं की थी, नहीं तो जी के तो वैसे ही माशाल्लाह है। हाँ जी, बस ओके चलो। जलियांवाला बाग मैस्करेड टुक आल्सो नोन एज अमृतसर ए कदों होया? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर अपन अपना टाइम जरा इन्वेस्ट नहीं करांगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एना विचों केड़ा एक्ट है जिसनों आपा मॉन्टगे कैम्पस्टर रिफॉर्म्स के नाम तो जानते हैं? कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 है, कि ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, या चार्टर्ड एक्ट 1813 है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो एक गल दसो, क्वेश्चन के नाल आप भी जानते हैं तुहाडा इस बार का न्यू ईयर रेजोल्यूशन की है। हाँ जी, तुहाडा इस बार का न्यू ईयर रेजोल्यूशन की है? एनी वन? हाँ जी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की है भाई इस बार का? हाँ जी, कैंप्स फॉर रिफॉर्म्स जी है, जॉब ओके, शिमला जाना है न्यू ईयर रेजोल्यूशन दे विच, ओके जॉब लेनी है, जॉब लेनी है, ओके अभी सोचा नहीं, ओके हाँ जी बच्चा। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, पहले सब तो पहले मैं आंसर दस देनी हाँ, आंसर जरा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 आएगा, उसमें अपना मॉन्टगे कैम्पस्टर रिफॉर्म्स कहने हैं। 1909 वाला जरा एक्ट सेगा, इनू अपना की कहने हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्हों याद रखना है, इवनली एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के न। एक घंट जी जॉब, एक घंट जी जॉब, ओके जॉब लेनी है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि अगले साल 2024 का जरा साल है, तुम ये सोच रहे हो कि भाई जरा अगले साल 2024 आएगा वो एंड तक मैं एक जॉब लेनी है, ताकि जरा है मैं अपनी लाइफ अर्निंग जड़ी है, मतलब अपना जरा खाना पीना है, अपने कपड़े पान जो मैं कपड़े पाना वह खर्चा जरा है आप उठा सका, है ना, यही कह सकते हैं आप, है ना। तो एक शेर ये उपर दसागे, एक शेर बोलना चाहवागी जो मैं अज ही फिलहाल पढ़िया, कहता है जनवरी दिखाती है सपने, जनवरी दिखाती है सपने, आईना तो दिसंबर दिखाता है, ठीक है? तो अगर लगता है कि भाई हम जो है एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो साल बर साल दिन तो बदलते जाते ने, पर जड़ी मेहनत होंगी है वह भी डबल हो जानी चाहिए है। साल बदलते कोई जिंदगी दे विच बदलाव नहीं होंदा, जस्ट अर्थ दी मूवमेंट बदल जाती है, ठीक है? एक नई स्टार्टिंग करन दा एक मिथ है कि यार नया साल आया तो हुण तो शुरुआत करनी चाहिए, मैनू लगता है कि आज तो ही शुरुआत करनी चाहिए है, ताकि जनवरी अगर सपने दिखा रही है तो दिसंबर तक आईना ना दिखा दे, क्योंकि पिछले साल भी बहुत सारे रेजोल्यूशन जड़े है शायद तुसी लिते सीगे। एग्जैक्टली है ना, इंज ना होवे कि यार सपना तो लिता पिछले साल भी और इस साल भी वो सपना ही रह जाए। मेक श्योर दैट पुट दैट हार्डवर्क, जिन्ना मर्जी जिन्ना तुसी हार्डवर्क जड़ा पुट कर सको उन्ना पुट करो। अज का एक मॉडर्न टाइम है, आप अज लास्ट साल है, चलो थोड़े नाल तो गल कर दी, वैसे मैं क्लासेस विच इन्नी ज़्यादा गल्ला नहीं करती है ना, क्योंकि जड़ी पढ़ाई होंगी है वो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी है। तो एक गल हो रहा है, मैं बहुत देखा है कि लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो स्मार्ट वर्क करता है वो जिंदगी दे विच अग्गे वधदा है। बट मैनू ये लगता है कि जड़ा कुदरत दा नियम है, जड़ा कर्मा है वो अलग ही है, जिन्ना हार्ड वर्क तुसी पुट करोगे उन्ना ही ज़्यादा तुसी स्मार्ट वर्क करना सीखोगे। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का ही एक रिजल्ट होंदा है, क्योंकि जदों किसी ने मेहनत की होंगी है तो उन्होंने शॉर्टकट्स मिलते हैं कि किस तरीके नाल इस काम को मैं जल्दी कर सकता हाँ, वो इसका एक्सपीरियंस कहलाता है। तो स्मार्ट वर्क का मतलब होंगे है कि जिन्ना ज़्यादा तुम हार्ड वर्क करोगे तो उन्होंने पता लगता जाएगा कि किस तरीके दे नाल इस काम को अपना ईजी तरीके दे नाल कर सकते हाँ। इसलिए पहले के टाइम के कैंडीडेट्स तो अज के टाइम के कैंडीडेट्स बहुत ज़्यादा फर्क है,
ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਟ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਰ ਬੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੋ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਾ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੋਗੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਕੇ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗਾਈਸ ਵਿਚ ਐਕਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਦ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਮਤਲਬ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਇਸਰੋਏ ਸੀਗੀ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਸਰੋਏ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿਡ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਰੈਵਨਿਊ ਹਾਂਜੀ ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਓਤ ਜੋ ਕਲਟੀਵੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਥੋਮਸ ਮੁਨਰੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਵੇ ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਥੋਮਸ ਮੁਨਰੋ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਮਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਏਗੀ ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਫੀ ਵਾਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਥ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਅਗਲਾ ਹੂ ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਦ ਡਾਕਟਰੀਨ ਆਫ ਲੈਬਸ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਆਫ ਲੈਬਸ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਿਆ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਈ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਲਾਰਡ ਬੈਂਟਿਕ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਐਂਡ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ
अगर एग्जाम च क्वेश्चन आवे तुहानू कि भाई सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक किदे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया तो तुम आंसर की दोगे? हाँ जी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जी पॉलिसी है वो अपनी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इन्हों के टाइम पीरियड से पहली ट्रेन भी चली सी, पोस्टेज स्टैंप भी इन्हों टाइम तो इंट्रोड्यूस हुई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी की सी कि अंग्रेज़ कहते हैं अगर थोड़ा राज्य संभालने वाला अगे बेटा नहीं होया तो आप राज्य हड़प लाँगे। पहला जो इधर का स्टेट सगा जो पर्टिकुलर एरिया इन्होंने हड़प्पया से सतारा सगा, झांसी में भी 1853 के इन्होंने कैप्चर कर लिया। अगेन डलहौजी नो बच्चा लॉर्ड वेल्सले आएगा। सबसिडरी अलायंस जड़ा है इंट्रोड्यूस किया गया सी लॉर्ड वेल्सले के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दी ऑल। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 वाज हेडिड बाय। अगले क्वेश्चन दी ऑल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वाज हेडिड बाय डेनियल रेडक्लिफ, वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन, सर जॉन साइमन या वॉइसरॉय लॉर्ड कैम्पस्पॉट। हाँ जी, बी बच्चा इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन एक केड़ी कमीशन सी 1928 दे विच केड़ी कमीशन आई सी? साइमन कमीशन नहीं आई सी भारत दे विच? साइमन कमीशन, जस्ट मैं लैंग्वेज ही चेंज की तुसी कन्फ्यूज हो गए। साइमन कमीशन की जी फॉर्मेशन सी 1927 दे विच होई सी और ये जी है भारत दे विच कदों आई सी? ए आई सी 1928 दे करीब, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सी 1930 दे विच और इसी रिपोर्ट सबमिट के कारण 1935 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जोड़ा है फॉर्मड होया सीगा। एदे विच 7 दे 7 इंग्लिश परसन सी, इनू बाइकॉट किया गया सीगा। गो साइमन बैक दे जड़े है नारे भी लगाए गए सीगे। तो सर जॉन साइमन आएगा बच्चा इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और 1928 दे विच एक रिपोर्ट होर आई सी जिसनू नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम च क्वेश्चन आ जाए नेहरू रिपोर्ट कदों आई सी? ये 1928 दे विच आई सी। हाँ जी, चलो अगला। विच ब्रिटिश ऑफिशियल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर? बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन दी और, हाँ बिल्कुल, लाठीचार्ज उन्होंने किया गया सीगा बट उन्होंने हार्ट अटैक आ गया सी लाठीचार्ज करने के बाद, तो उस पर लाला लाजपत राय की डेथ हो गई सी। आंसर बहुत ईजी है, जनरल ओ डायर इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। विच एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इनक्रीज द पोलिटिकल एक्टिविटी एंड डिटेन द पोलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स? किस एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक जड़ा है एक अधिकार दिता सी वधाउण ते, कह लो अगर कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहा है ब्रिटिशर्स दे अगेंस्ट तो उसनू बिना ट्रायल तो 2 साल दे लई जेल दे विच पा देंदे सीगे। ओह किहड़ा एक्ट सीगा? इस एक्ट नू आपां ब्लैक एक्ट भी कहने आ, इस एक्ट नू आपां ब्लैक एक्ट दे नाम तो भी जानदे आ। इह रिवॉल्ट एक्ट 1919 सीगा। वैनाकुलर प्रेस एक्ट की सीगा? इह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैनाकुलर प्रेस एक्ट जिहड़ा सीगा इहदे विच जिहड़ी वैनाकुलर लैंग्वेजिज हुंदियां ने जिवें हिंदी बंगाली लोकल लैंग्वेजिज हुंदियां ने रीजनल लैंग्वेजिज हुंदियां ने उहनां दे विच जिहड़े न्यूज़पेपर पब्लिश हुंदे सीगे उहनां नूं बंद करन दे लई लैके आया गया सीगा, उहनां ते रिस्ट्रिक्शनज लगाउण लई लैके आया गया सीगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स इह चाहुंदे सीगे कि कोई भी इदां दा न्यूज़पेपर ना बने जो मतलब लैंग्वेजिज दे विच लिखिया जावे जिस च साडी गल्लां दस्सियां जाण, वैनाकुलर। तां करके वैनाकुलर प्रेस एक्ट जिहड़ा है इह आया सीगा। बहुत चलाक सी वैसे ब्रिटिशर्स। अंडर विच गवर्नर जनरल डिड द ब्रिटिशर अडोप्ट द पॉलिसी जिसनों पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी बोलते हैं? अगले क्वेश्चन दी और, वेरी गुड क्वेश्चन। लॉर्ड लिटन दे टाइम ते आया सी? ओके वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छा चलो, वैनाकुलर प्रेस एक्ट जरा सी लॉर्ड लिटन दे टाइम पीरियड ते आया सी, बिल्कुल सही है। बट वैनाकुलर प्रेस एक्ट नू खारिज करने वाले कोई सीगे? ये भी दसना।
हाँ जी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हास्टिंग्स। तो आंसर जरा है बच्चा लॉर्ड हास्टिंग्स आएंगे। लॉर्ड हास्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1813। अंडर द लॉर्ड हास्टिंग एक न्यू पॉलिसी आई सी पैरामाउंटेंसी की। इस पॉलिसी के तहत जी कंपनी सी अपने आप को सुप्रीम मानती सी कि साढ़े तो उपर कोई नहीं है। सारे जिन्हें भी गवर्नर जनरल से जिन्हें भी वॉइस रॉय से लॉर्ड बोलिया जाता है। लॉर्ड केवल लॉर्ड का मतलब लॉर्ड साहब, ठीक है, लॉर्ड मतलब अपने लॉर्ड अपने आप में भगवान मानते थे, तो उन्होंने अपने नाम दे के लॉर्ड लगाते होंगे थे। कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल आते थे तो लोग जड़े है उन्होंने झुकना पैंदा सीगा, ठीक है, उन्होंने झुकना पैंदा सीगा उन्होंने अगे, अपने आप में सुप्रीम मानते थे। वी आर द सुप्रीम पावर, सुप्रीम का मतलब होंगे सब तो उपर से। नहीं बट लिबर्ट बिल एक कॉन्ट्रोवर्शियल मिजोर सेगा जो कि 1883 के आया कि द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चा। लॉर्ड इज नॉट लाइक अ भगवान बट मानते से अपने आप में सुप्रीम मानते से कह रहे हैं जतिन सैनी। लॉर्ड रिपन, ओके। द लिबर्ट बिल वाज बिल जो कि इंट्रोड्यूस किया गया सी 1883 दे ड्यूरिंग द वॉइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड रिपन। केड़ा एक्ट है? अच्छा ये एक्ट अपना हो गया ना क्वेश्चन कि जिसने ट्रांसफर किया 1858 रिपीट होया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। अगले क्वेश्चन दी और नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि भाई कैबिनेट मिशन प्लान जो आया सेगा 1946 दे विच। अच्छा इस तरीके नाल तुहानू बहुत सारे प्लान्स पूछे जा सकते। क्रिप्स मिशन कदों आया सेगा ये भी पता होना चाहिए 1942 दे विच, ठीक है। तो इन्हें विचों कौन जिहड़े है मिनिस्टर नहीं सीगे कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स नहीं सीगे, लॉर्ड वेवल नहीं सीगे, सर पैथिक लॉरेंस नहीं सीगे या अलेक्जेंडर नहीं सीगे। हाँ जी बी विल बी द राइट आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो लॉर्ड वेवल जिहड़े सीगे वेवल प्लान दे सीगे, कैबिनेट मिशन प्लान दे नहीं सीगे। कैबिनेट मिशन प्लान दे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सीगे उस वक्त इंडिया दे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स उस वक्त प्रेजेंट ऑफ द बोर्ड सीगे एंड ए वी अलेक्जेंडर जिहड़े सीगे फर्स्ट लॉर्ड एडमिरल्टी सीगे, ठीक है, ते तीनों मेंबर सीगे बट लॉर्ड वेवल नहीं सीगे। हु वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन यूके जो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया सीगा इंडिपेंडेंस बिल फॉर इंडिया इन जुलाई 1947। उस वक्त ब्रिटिश प्रेजेंट कौन सीगे? ऑप्शन दिते गए ने क्लीमेंट एटली, हाँ जी रामसे, विंसेंट चर्चिल या नेविल चैम्बरलेन। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी आंसर बिल्कुल तुसी सही दिता है, एटली इज़ द राइट आंसर। क्लीमेंट एटली जड़े सीगे वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन यूके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस बिल जड़ा है फॉर इंडिया इन जुलाई 1947 पास किया। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस अंडर विच द इंडियन रूलर एग्रीड टू कीप ब्रिटिश फोर्सेज इन हिज टेरिटरी। किस गवर्नर जनरल ने सब्सिडरी अलायंस की नीति जी है पास की जिस दे तहत भारतीय शासक ब्रिटिश फौजा अपने खेत्र में रखने की सहमत हो। देखो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की सीगा ये तुम दस दिनी हाँ, ये ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि भी तुम साड़ी फोर्सेज न अपने को रखो, साड़ी फोर्सेस नू खिलाओ पिलाओ सारे उन्होंने खर्चे उठाओ, ये बदले साड़ी फोर्सेस जड़ा तुहाड़ा ध्यान रखेगी तुहाड़े राज्य का। तुसी किसी नाल लड़ना चाहते हो तो साड़ी फोर्सेस जड़ी है वो तुहाड़े लिए लड़ेगी, बट ये कंडीशन है तुहानू अपनी जड़ी फोर्सेस उन्हें खत्म करना पेगा। जो भी अगर तुसी किसी नाल अलायंस करना चाहते कोई राजा किसी नाल दूजे राजे दे नाल बनाना चाहता तुहानू पुछना पेगा, तो बस इन्ना करना पेगा। तो होया कि
ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਫੌਜ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਫਟਰ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਇਨ 1757 द ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। हाँ जी, पॉलिटिकल पावर जड़ी है ब्रिटिशर्स ने 1757 दे विच केड़ा? हाँ जी बच्चा, परमानेंट सेटलमेंट वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस ही सीगे, सुरिंदर कौर। यस, बैटल ऑफ प्लासी। बट बच्चा इत्थे जड़ा क्वेश्चन दे विच हल्की जी मिसटेक है, पॉलिटिकल पावर जड़ी सी ना आफ्टर द बक्सर वॉर मिली सी वैसे, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1757 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਡਿਊਰਿੰਗ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਔਰ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਬੰਗਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਚੰਪਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਐਕਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ, ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਲਾਰਡ ਕਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਲਗਾਓ ਆਂਸਰ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਸੈਟਲਡ ਬਾਈ ਦੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭੂਤਾਨ ਵਾਰ, ਏ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਬਜਟ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਲਾਰਡ ਕਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 1868 ਸੀਗਾ, 1888 ਸੀਗਾ, 1878 ਸੀਗਾ, ਜਾਂ 1858 ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚਾ, 1858 ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰਿਵੋਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਔਰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ ਆਫ 1857 ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ? ਵੀ ਡੀ ਸਵਾਕਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1858 ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1858 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਦ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਵਾਇਸਰਾਏ ਫੋਰ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਉਹ ਕਦੋਂ? 1859, 1858, 1856, 1857? ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1858। ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਡਿਡ ਲਾਰਡ ਕਜ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ? 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 1945 ਜਾਂ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਕਰ ਇਨ 1919? 1919 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਅਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਂਟਗੇ ਕੈਮਸਟਰ ਰਿਫੋਰਮਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1919। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 1905। ਰਿਵੋਲਟ ਐਕਟ 1919। ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਅਰਸ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਈਅਰ। ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ
ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਲਗਾਓ। ਯੈਸ ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਔਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਆਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਕੇਸਰੀ ਏ ਹਿੰਦ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਹਿੰਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ, ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਅਮਰ ਸੋਨਰ ਬਾਂਗਲਾ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਔਫ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰ ਸੋਨਰ ਬਾਂਗਲਾ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸੀਗੇ, ਦਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਾਂ ਅਬਿੰਦਰਨਾਥ ਦਵਿੰਜਨ ਜਿੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਸ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਤੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੱਚਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਅਮਰ ਸੋਨਰ ਬਾਂਗਲਾ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ ਮਾਈ ਗੋਲਡਨ ਬੇਗੋਲ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਸੀ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਫੋਰਮਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਟਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਸ ਕਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਔਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਲਗਾਓ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗੇਂਸਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਟਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਫੋਰਮਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਮਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮਸ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੂਜ਼ ਸਪੀਚਿਸ ਐਂਡ ਨੋਟਸ? ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਔਰ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੂਜ਼ ਸਪੀਚਿਸ ਐਂਡ ਨੋਟਸ? ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ? ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਪੀਚਿਸ ਐਂਡ ਨੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮਸ ਗਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਡਾਊਟ ਹੈ।
चेक कर रही हूँ मैं, इन्ने लोगों ने राजेंद्र प्रसाद आंसर दिता, मैनू भी तुसी डाउट करवाता, बट बच्चा मैनू जिन्ना पता है कि वो महात्मा गांधी ही है, क्योंकि उन्होंने, हाँ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है ये कह लो, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ही उन्हों की स्पीचिज है। चेक क्लियर करो जी, राजेंद्र आना, लेट सी। चलो आओ इस क्वेश्चन आप हूने ही देख लें, अगर तुसी कहने हो तो ठीक है, हूने ही आप चेक कर दें। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है, इस बुक दे विच स्पीचेस की दिया ने, दसो भाई गूगल जी। नहीं बच्चा, ये महात्मा गांधी जी ही आएगा, तुसी क्वेश्चन जोड़ा है गलत दस रहे हो। सी देखो, आई वुड लाइक टू से दैट ये जोड़ा है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये महात्मा गांधी जी दी है। हाँ, महात्मा गांधी जी दी फोटो भी बनी हुई है, एम के गांधी, इतने लिखा भी होया है कि आई वुड लाइक टू से दैट माई राइटिंग्स टू अदर हु आर इंटरेस्टेड इन दैम, ये सारा महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, पेज तो बिल्कुल महात्मा गांधी है, राजेंद्र प्रसाद नहीं है। चलो अब्दुल्ला कंपनी दी केस ते ले गए सी बच्चा गांधी जी, गांधी दी फोटो भी लगी हुई है, ठीक है। हुन बैकग्राउंड साउंड आ रहा है कोई बच्चा? बैकग्राउंड साउंड आ रहा है कोई, तुहानू डिस्टरबेंस आ रही है? चलो, द मदर ऑफ महात्मा गांधी वाज पुतली बाई, हीरा बाई, कमला बाई या कस्तूरबा बाई? पुतली बाई। द मदर ऑफ महात्मा गांधी वाज पुतली बाई, शी वाज अ ट्रू डिवोटेड ऑफ गॉड, ठीक है, यह उन्हों की पिक्चर भी है, मम्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे है ना। हु वाज अ अफेक्शनली कॉल्ड एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दो दसने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात किनू कहने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनू कहने, दोनों दसो। पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के मैंबर बनने वाले भी यही से। सारे नू आ रही है बच्चा? इज द राइट आंसर दादा भाई रोज नरोजी। ओके, अब अब्बास खान किदा हो गए बच्चा? गुजरात दे अब्बास ते आप जी है, ठीक है, अब्बास ते आप जी है गुजरात दे। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जरा है, इसनों कदों लॉन्च किया गया? 1877, 1920, हजे करके हटे 1920 लॉन्च होया, अगे बढ़ते हैं। डैश वाज अवॉर्डिड द केसरी हिंद बाय लॉर्ड हार्डिंग्स, एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सैप्शनल सर्विसिज कितिया, क्योंकि साउथ अफ्रीकन लोगों को जरा मोटिवेट किया कि यार ब्रिटिशर्स का साथ दो, इसलिए उन्होंने केसरी हिंद का टाइटल दिता गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। एक किनू दिता गया से? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद इकबाल? ओके, मैं ना इनू चेक करांगी, अगर तुहानू इंज आ रही है तो मैं दस दिया करो यार कि भाई मैम थोड़ा जा इतने नॉइज आ रही है ना, मैडम ठीक कर सकती है इन्हों चीज़ों, ठीक है, ओके, ये गल्ला मैं दस्या करो कि मैम थोड़ी जी नॉइज जड़ी है मैनू देख सुन रही है। चेक करो हुन नॉइज आ रही है, हुन नॉइज आ रही है, मैं हल्की जी एक सेटिंग कीती। हाँ जी, तो केसरी हिंद दा टाइटल महात्मा गांधी दा। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स? ये वर्ड्स किन्ने कहे? अ फ्लैग इज अ नेसेसिटी फॉर ऑल नेशंस, मिलियंस हैव डाइड फॉर इट। एक झंडा सारे कौमां लई एक लोड है, लखां इस लई मर चुके हैं, ये किसने कहा?
हाँ जी, बच्चा 1905 च कित्थे कीता सी, 1919 च कीता सी, जलियांवाला बाग दी ट्रेजेडी तो बाद। हाँ जी, किने क्या सी भाई? महात्मा गांधी जी ने क्या सीगा? महात्मा गांधी जी ने ही क्या सीगा कि फ्लैग इज नेसेसिटी, ठीक है, फॉर ऑल नेशन, मिलियन हैव डाइड फॉर इट। व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? क्विट इंडिया मूवमेंट टू कदों स्टार्ट किया गया सी? डू और डाई स्लोगन किने दिता? ये दसो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी स्टेटमेंट किने दिती? स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसनों लेके रहूंगा, ये भी स्टेटमेंट किने दिती? डू और डाई स्टेटमेंट महात्मा गांधी। हाँ जी, 1942 दे विच स्टार्ट होया, बिल्कुल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बॉस ने दी थी। ओके, एससी बॉस, सुभाष चंद्र बॉस, बिल्कुल। स्वराज इज माई बर्थ राइट, बिल्कुल सही, तिलक ने दी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो थी झांसी वाली रानी थी, ठीक है, ए स्टेटमेंट किने दी थी? किस गवर्नर ने? 8 अगस्त, बिल्कुल सही। द नोटेड फ्रीडम फाइटर शहीद लक्ष्मण नायक, ये बिलोंग करते ने किस स्टेट को? हाँ जी, बिल्कुल, मिनसिट चिरोल ने क्या सी? रोज ने, ह्यूग रोज ने। ओके, दैट्स ग्रेट। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा तो ये बिलोंग करते सी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के इन्हों ने पार्ट लिता सी, इदा दी इन्हों की वो भी बनी हुई है पोस्टेज स्टैंप। इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, वेन वॉज अ पूना पैक्ट साइन? पूना पैक्ट किन्हां दोनों के बीच साइन हुए थे? महात्मा गांधी एंड द बी आर अंबेडकर, और ये साइन हुए थे 1932 के बीच। आंसर जो है इतने बच्चा सी आ जाएगा। द एन एग्रीमेंट बिटवीन द डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एंड द महात्मा गांधी वॉज साइंड ऑन सितंबर 24, 1932। एना विचों किसने अजत शत्रु, किसनों अजत शत्रु जरा है कहा गया सी बाय गांधी जी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, हाँ जी, नेक्स्ट ऑप्शन भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गाइज, जिन्होंने हेडफोन लगाए है उन्होंने हूँ डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही, एक बार मैनू दसो, जिन्होंने लग रहा है कि पहला हल्की हल्की नॉइज आ रही है। भगत सिंह नु क्या सीगा? गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नु क्या सीगा? ये चीज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नु क्या सीगा, नॉट भगत सिंह नु, राजेंद्र प्रसाद नु क्या सीगा? ओके, गांधी ऑफ बिहार, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी ए अपने हैगे ने। अच्छा, किवें लगे अज दे क्वेश्चन? बट उस तो पहला तुहानू दसदा भाई, न्यू ईयर का दिन है, न्यू ईयर सैलीब्रेशन है, तो पंजाब बड़ा किदा पिछे छुट जाए, है ना? तो तुहानू पंजाब दे महापैक दे विच डबल वैलिडिटी ऑफर मिलता पे है। PSPCL का भी थोड़ा कोर्स लॉन्च है, सारे कोर्सेज अपने जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे सारे लॉन्च है। तुहानू पंजाब का जो महापैक है 1700 समथिंग का आराम ना मिल रहा है, अगर तुम कोड लगाओगे YIT77। तो जो तुम प्लैनिंग कर रहे हो कोई कोर्स लैन की या कोई भी टेस्ट सीरीज लैन की, मैनू तुम पसंद कर दौ, मेरी टीचिंग में पसंद कर दौ, तुम सोच दो कि यार मैम इज़ डूइंग द हार्ड वर्क जिन्ना चाहिए है, तो तुम एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हो YAT77। और अगर तुम कोई बुक या टेस्ट सीरीज परचेज करने के बारे सोच रहे हो साड़ी, तो यू कैन यूज द कोड YAT77S। किवें लगी क्लास? वेरी नाइस क्लास, ओके, नाइस सेशन। आज के क्वेश्चन अगे नालों ईजी सके, बिल्कुल ईजी सके, मैं खुद कहनी अज के क्वेश्चन कुछ भी नहीं सके। नाइस सेशन। सर क्यों होंगे? मैं तो मैडम हाँ। मैडम लेवल थोड़ा अप लेके आया करो, योगराज जी अज ही लेके आई हैं लेवल लो, नहीं तो अगे आप ही होंगे।
अगे अप ही हुंदा है लेवल। कदी कदार ईजी क्वेश्चन भी दे देने चाहिए है, ये भी क्वेश्चन आते होंगे, एदा विच भी मिसटेक हो जाती है। एदा तो है नहीं कि मैडम टफ ही टफ लैके आती रहे। हाँ जी अजकल दिया मैडमा कोई सर नालों घट है क्या सर नाल बराबरी ही क्यों करनी है सी? है मैडम मैडम है, सर सर है, तुसी ये कहो अजकल के सर मैडमा नालों घट है, सर नाल बराबरी ही क्यों करनी है? वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? है मैडम मैडम है भाई, सर सर है। ये लेवल ठीक है जी मेरे लायक, मेरा लायक है नहीं गुरी, तुसे नालायक नहीं हो। डिलीशियस सेशन ओके। हाँ जी चलो नए साल दी बहुत बहुत मुबारका तुहानू सारिया नू, भगवान तुहाडी जो भी तुसी सोचिया है ना वो पूरा होवे। ओके चलो हैव अ ग्रेट डे, आई होप यू लाइक द लेक्चर। कमेंट सेक्शन च दस्या करो क्लास कितना दी लगी।